महाराष्ट्र नव निर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे की तरफ से की गई आयोजित मानसेश्री 2019 बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप गोरेगांव वेस्ट, जिसमें नेशनल बॉडी बिल्डर एक्टर केतन करंडे को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया। अधिकारी और कार्यकर्ता पूर्ण रूप से शामिल हुए। नेशनल बॉडी बिल्डर और एक्टर केतन करंडे को मंच पे तुलसी देकर स्वागत किया गया। उनकी बॉडी लोगों को बहुत ही पसंद आई और उन्होंने कुछ बॉडी पोज भी करके दिखाए। नेशनल लेवल बॉडी बिल्डर केतन करंडे बरेचसे हिंदी चित्रपटांमध्ये तसेच तमिळ चित्रपटांमध्ये काम केलेले असे केतन करंडे को बता दे कि केतन करंडे ऑस्ट्रेलियन कंपनी डोमिनेटर न्यूट्रिशन के ब्रांड एम्बेसडर हैं और उन्होंने इसी ब्रांड की कुछ प्रोटीन्स और टी शर्ट्स विजेताओं को इनाम में दिए। सर जी यहाँ पे किले सर जी। इस बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप के विजेता देवेंद्र सावंत बने, जो कि नेशनल बॉडी बिल्डर और एक्टर केतन करंडे की जिम से ही खेले थे। मानसश्री 2019 बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप के विजेता देवेंद्र सावंत को एक्टर केतन करंडे ने ढेर सारी शुभकामनाएं दी और बॉडी को कैसे फिट रखना चाहिए इसके कुछ राज भी बताए। इस मौके पे इंडिया ब्यूरो की संवाददाता नीलम भी वहां पहुंची थी, जिसने नेशनल बॉडी बिल्डर एक्टर केतन करंडे से कुछ बातें की। आइए दिखाते हैं। जाने वाली चेहरे से जिन्हें आपने देखा होगा बहुत सारी मूवीज में, एक्शन जैक्सन में, थग्स ऑफ हिंदुस्तान में और सूर्य पुत्र कन में जो भीम का कैरेक्टर कर चुके हैं। तो मिलते हैं हम केतन करंडे से। तो केतन, हमें बताइए, आप यहाँ पे आपकी गेस्ट अपीयरेंस है और शो की जो मेला अरेंज किया गया, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? सबसे पहले आपको और आपको सभी को विश यू हैप्पी न्यू ईयर। नया साल है तो बहुत सारी शुभकामनाएं है तुम्हारे चैनल को। आज यहाँ पे मालवणी जत्रोत्सव है, जो जैसे मुंबईकर होते हैं, जो मराठी पीपल होते हैं, उनके लिए खास ये चीज़ ऑर्गेनाइज करते हैं, जो मन से ने किया हुआ है। एंड आई विश यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर एंड वेरी मच थैंकफुल टू द मन से कि उन्होंने बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज किया है। और स्पेशली ये थैंक्स थैंकफुल टू द जो हेड ऑफ द इस मेले के हैं, जिन्होंने बहुत अच्छे से इस ऑर्गेनाइज किया इस कॉम्पिटिशन को, मिस्टर भूषण। तो आज थैंक्स टू द मिस्टर भूषण कि उन्होंने बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज किया। और देखा जाए तो मनसे का, तो मनसे के जो राज ठाकरे हैं, ही इज़ अ लायन, सबको पता है कि यार बहुत बड़ा व्यक्तित्व है। तो डेफिनेटली ही इज़ अ मराठी मैन, तो हमें उनके बारे में बहुत 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 अच्छा लगता है कि यार कुछ वो कुछ सोचते हैं हमेशा मराठी पीपल के लिए। तो आज मुझे यहाँ देख के लगा कि यार सब जगह में मुंबई जो मेरी बहुत बिखरी हुई है, यहाँ वहाँ से जैसे यूपी से, एमपी से और दिल्ली से, आज सारे के सारे महाराष्ट्र मराठी पब्लिक मुझे यहाँ पे दिखे और मैं खुद मराठी हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पे मैं आने के बाद तो मुझे इनवाइट किया गया इस कंपटीशन के लिए, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। सेकेंडली, बॉडी बिल्डिंग मेरा पैशन है, इट्स माई, वो मेरे खून में है। तो मैं जिम कर रहा हूँ 27 साल से, मेरा जिम खुद का जिम है केतन मसल फिटनेस गोरेगांव में, और अराउंड मैंने बॉडी बिल्डिंग किए 10 से 12 साल। तो बहुत अच्छा लगा कि जब जैसे ही मुझे मालूम पड़ा कि 3rd of January को मुझे एज अ गेस्ट में यहाँ पे आना है, तो बहुत खुशी थी कि कब 3 जनवरी आएगा और मैं यहाँ पे गेस्ट में आऊँगा। और बहुत ही एक मोटिवेशन होता है, डेडिकेशन होता है टू द न्यू कमर्स कि यहाँ कॉम्पिटिशन में जो पार्टिसिपेंट करते हैं उनका हौसला बढ़ाने के लिए। सेकेंडली, मैं कंपनी का एम्बेसडर हूँ, डोमिनेटर, ये कंपनी साउथ अफ्रीका की है, और बहुत अच्छा लग रहा है कि इस कंपनी ने खेल इसमें इस मतलब सपोर्ट किया इस कॉम्पिटिशन के लिए, और इन्होंने सपोर्ट किए जो उनके डब्बे हैं न्यूट्रिशन के, जैसे गेनर के है, सेकेंडली वे प्रोटीन के है, तो उनने ये डब्बे जो दे दिए इस कंपटीशन के लिए, तो उसमें बहुत अच्छा लगा। और मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि सारे के सारे जिम से कि जैसे गोरेगांव में हुआ वहाँ वैसे ही हर क्षेत्र में, जैसे महाराष्ट्र के क्षेत्र में हो और मुंबई के हर जगह पे ऐसे कंपटीशन होते रहे। ओके, तो केतन, हम जानना चाहेंगे, जैसे आप एक्टिंग भी करते हैं और काफ़ी सारे शोज और मूवीज कर चुके हैं, तो हम जानना चाहेंगे कि आपकी बॉडी भी अच्छी खासी है, बहुत अच्छे से मेंटेन किया हुआ है आपने, तो आप बॉडी और एक्टिंग को कैसे मैनेज करते हैं, कैसे टाइम देते हैं अपनी बॉडी को?
वैसे देखा जाए तो बॉडी बिल्डिंग मेरे खून में ही है, और एक्टिंग जैसे मैंने शुरू किया कंपेयर टू बॉडी बिल्डिंग सब, तो मुझे बॉडी बिल्डिंग की वजह से मुझे एक्टिंग मिला। अगर मेरी बॉडी ना होती तो शायद मुझे एक्टिंग में कहीं चांस नहीं मिलता। तो मैं एक्टिंग करते करते बॉडी बिल्डिंग दोनों करता हूँ, क्योंकि जितना प्यार मैं बॉडी बिल्डिंग से करता हूँ उतना प्यार मैं अपने एक्टिंग से करता हूँ। जैसे लाइक बॉडी बिल्डिंग मेरी माँ है तो एक्टिंग मेरी बीवी है, तो डेफिनेटली हम कहीं ना कहीं तो हम दोनों जुड़े रहते हैं कि हम कहीं यहाँ पर थोड़ा वहाँ पर थोड़ा ऐसा नहीं करते। तो एक्टिंग तो करना है क्योंकि वो मेरा ब्रेड एंड बटर है, और बॉडी बिल्डिंग जैसे मुझे अपने फिटनेस को फिट रखना है। जैसे मुझे देख के काफ़ी सारे लोग आइडियल होते हैं कि यार मुझे भी ऐसी बॉडी बनानी है, तो उनके लिए अपने खुद के लिए, और डेफिनेटली कहीं ना कहीं एक मैं बचपन से करते आ रहा हूँ, तो बस ऐसे सोचता हूँ कि मैं ज़िंदगी भर ऐसे करता रहूँगा, और इच्छा है चाहत है तो टाइम तो वैसे निकल ही जाता है। ओके केतन, तो हम जानना चाहेंगे आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स क्या हैं, कौन सी मूवीज आप आने वाले टाइम में करने वाले हैं? वेल, अभी मैंने ठग से बंधु संग कम्प्लीट की थी तो वो फिल्म रिलीज भी हो गई। अब लेटेस्ट में मैंने साउथ की दो मूवीज की है, एक सीरियल्स मेरा नया लॉन्च होने वाला है राइट फ्रॉम जनवरी के, बताऊंगा नहीं कौन सी ऐड है। एक बड़े हीरो के साथ मेरी ऐड आने वाली है जो नेक्स्ट वीक में मैं शूट करने वाला हूँ, आपको टीवी पे और सब जगह दिखी जाएगा, और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हाथ में है लेकिन लाइनअप में अभी चलने वाले। केतन, हम आपके बॉडी के कुछ राज जानना चाहते हैं कि आप मतलब कैसे मेंटेन करते हैं, हमारे व्यूअर्स को बताना चाहेंगे कि उनको भी अगर अपनी बॉडी आपकी तरह थोड़ा फिट रहना है तो वो थोड़ा सा कुछ एडवाइस देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को। मुझे लगता है कि 100% में से अराउंड 30% हम जिम करते हैं, 30% हमारा डाइट होता है, और बचा 40% हमारी स्लीप होती है, नींद होती है, एक शांति होती है। आजकल के बच्चे जो दिन भर मोबाइल के अंदर पड़े रहते हैं, मतलब यूट्यूब हो, व्हाट्सअप हो, एफ वी हो, वो तो इट्स ऑल बिजनेस, मतलब व्हाट्सअप तो अमेरिका का बिजनेस है, एफ वी है उनका बिजनेस है, हम बस दिन भर उसके अंदर पड़े रहते हैं, और हम ये सोचते नहीं कि हमें ये लगता है कि हम यहाँ के फोटो वहाँ भेज रहे हैं, वहाँ के फोटो वहाँ भेज रहे हैं, यहाँ की वीडियो वहाँ भेज रहे हैं, उसमें हम टाइम गंवाते हैं। अगर उस टाइम में से अगर हम लोग एक घंटा में निकाल पाए खुद के लिए, आज मैं दिन भर में काम करता हूँ, शूट करता हूँ, डेफिनेटली कहीं ना कहीं डाइट फॉलो करता हूँ, लेकिन अपने जिम के लिए मेरे लिए 1 से 1.25 घंटा तो कंपलसरी होता है, तो वो कंपलसरी करना है। और अगर तुम जिम रेगुलर कंपलसरी करोगे तो ऑटोमेटिकली तुम डाइट तो फॉलो करोगे सर। ओके, केतन हमारे चैनल के लिए कुछ बोलना चाहेंगे, इंडिया ब्यूरो आप देख रहे हैं। हाय, दिस इज केतन गंडे, नेशनल बॉडी बिल्डर बॉलीवुड एक्टर, आप देख रहे हैं इंडिया ब्यूरो चैनल। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं नए साल की, और ये चैनल इसी तरह आगे बढ़े, और सब लोग ये चैनल देख के इसके लाइक्स बढ़ा दीजिएगा, व्यूज़ बढ़ा दीजिएगा। थैंक यू सो मच।